हमारे स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नोटिफिकेशन को ऑल से सेट करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले, और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और आपके कोई सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। धर्मशाला में खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर 3-0 से क्लीन स्वीप कर दी है श्रीलंका पर, और साथ ही रोहित शर्मा ने इतिहास भी रच दिया और भारतीय टीम ने भी इतिहास रच दिया है। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में कैसे भारत ने श्रीलंका पर 3-0 से क्लीन स्वीप की, कैसे तीसरे T20 मुकाबले में 6 विकेट से जीत हासिल की भारत ने। तीसरे T20 मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 146 रन 20 ओवर में 5 विकेट पर बनाए। उसके बाद 146 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम। अय्यर का हल्ला बोल, टीम इंडिया की शुरुआत यहां खराब रही और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और रोहित शर्मा भारत को धांसू शुरुआत देने में नाकामयाब रहे। रोहित को चमीरा ने T20 में छठी बार अपना शिकार बनाया और 5 रन पर पवेलियन भेजा। वहीं सैमसन भी 18 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद क्रीज पर वो बल्लेबाज आया जिसने अपनी प्रदर्शन से श्रीलंका को हिला डाला है। जी हां, अय्यर ने आते ही अपना बल्ला खोला और शॉट्स मारने शुरू कर दिए। इस बीच दीपक हुड्डा ने भी उनका भरपूर साथ दिया और 16 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन यहां अय्यर अभी भी क्रीज पर रहे। अब अपने आप को एक बार फिर साबित करने की बारी वेंकटेश अय्यर की थी, लेकिन वो भी 5 रन बनाकर आउट हो गए। श्रेयस अय्यर ने अपनी रन बनाने की स्पीड को तेज किया और रविंद्र जडेजा ने पिछले मैच की तरह उनका भरपूर साथ दिया। अंत में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 16.5 ओवरों में ही जीत दिला दी। अय्यर ने 162 की स्ट्राइक रेट से 1 छक्के और 9 चौकों की मदद से 45 गेंदों में 73 रन बनाए, जबकि जडेजा ने 15 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 22 रन बनाए। श्रेयस ने इस सीरीज में 174 की स्ट्राइक रेट से कुल 204 रन बनाए। वो भारत के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने T20 सीरीज में 200 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस सीरीज में उन्होंने 56, 74 और 73 रनों की नाबाद पारी खेली, यानी कि श्रीलंका के गेंदबाज इस बल्लेबाज का एक भी मौके पर विकेट नहीं ले पाए। अय्यर ने उनके दमदार प्रदर्शन के चलते सीरीज में दूसरी बार मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। वहीं उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का भी अवार्ड दिया गया। बता दें कि अब तक सिर्फ डेविड वॉर्नर ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने साल 2019 में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में 217 रन बनाए थे और पूरी सीरीज में नॉट आउट रहे थे। वहीं अय्यर ने इस सीरीज में कुल 204 रन बनाए हैं। लगातार सबसे ज्यादा T20 आए जीत, टॉप 10 टीमें। 12 अफगानिस्तान फरवरी 18 से सितंबर 19, 12 भारत नवंबर 21 से फरवरी 22, 9 पाकिस्तान जुलाई 18 से नवंबर 18। T20 आई में एक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सर्वाधिक जीत, 17 भारत बनाम श्रीलंका, 16 पाकिस्तान बनाम जिम्बाब्वे, 15 पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड, 15 पाकिस्तान बनाम वेस्ट इंडीज। T20 आई में घर पर सबसे ज्यादा जीत, 40 भारत, 39 न्यूजीलैंड, 37 दक्षिण अफ्रीका। श्रीलंका की खराब शुरुआत, आवेश खान ने अपने भुला देने वाले डेब्यू की भरपाई करते हुए मोहम्मद सिराज के साथ शानदार शुरुआती स्पेल डाला, जिससे भारत ने रविवार को यहां तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में श्रीलंका को 5 विकेट पर 146 रन ही बनाने दिए। कप्तान रोहित शर्मा का भारतीय जर्सी के लिए यह 125वां T20 मैच था, जिससे वह विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। यह देखना शानदार था कि उनकी रिजर्व बेंच ने किस तरह शानदार प्रदर्शन किया। यहां तक कि 2 कलाई के स्पिनर रवि बिश्नोई 32 रन देकर 1 विकेट और कुलदीप यादव 4 ओवर में 25 रन ने भी अच्छी गेंदबाजी की। काफी हैरानी की बात है कि 2 साल से बिश्नोई केवल गुगली ही फेंक रहे हैं, लेकिन ये इतनी सटीक हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग में और अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बल्लेबाजों को उनका अंदाजा ही नहीं हो पा रहा।
कप्तान दासुन शनाका ने 38 गेंद में नाबाद 74 रन की पारी खेलकर फिर टीम को बचाया, जिससे वह श्रीलंका को 150 रन के करीब ले गए। शनाका ने अपनी पारी के दौरान 9 चौके और 2 छक्के लगाए, लेकिन आवेश 4 ओवर में 1 मेडन से 23 रन देकर 2 विकेट और सिराज 4 ओवर में 22 रन ने अपनी तेजी और उछाल से श्रीलंका के शीर्ष क्रम को ध्वस्त किया, जिससे चौथे ओवर तक टीम का स्कोर 3 विकेट पर 11 रन था। इससे वापसी करना मुश्किल था। सिराज ने पहले धनुष का गुणतिलक 0 को 60 गेंद पर आउट किया, जिसे इस बल्लेबाज ने पुल करने की कोशिश की थी। ईडन गार्डन्स पर डेब्यू पर 40 रन देने वाले आवेश ने फुल लेंथ गेंदबाजी की और पतुम निसान का 0-1 और चरित असालन का 0-4 को पवेलियन भेजा। भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन की खास बात यह रही कि उप कप्तान जसप्रीत बुमराह, अनुभवी भुवनेश्वर कुमार और पहली पसंद के कलाई के स्पिनर युजवेंद्र चहल को इस मैच में ब्रेक दिया गया। कप्तान के पास काफी विकल्प हैं, क्योंकि वह और कोच राहुल द्रविड़ धीरे धीरे एक सेटअप बना रहे हैं, जिसमें उनके पास दोनों विभागों में हर जगह के लिए कई विकल्प रहे हैं।